गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, तो मैं हूं राहिल और आप लोग देख रहे हैं द राहिल व्लॉग्स। और आज हम लोग आ चुके हैं जुहू बीच, मुंबई, महाराष्ट्र। भीड़ यहां पे काफ़ी ख़तरनाक है। कोई वीकेंड नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है, फिर भी इतनी ख़तरनाक भीड़ हो रही है कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। टाइम अभी हो रहा है 7:30 PM और दुकानें चारों ओर लगी हुई हैं, स्टॉल्स लगी हुई हैं, बिल्कुल बीच के सामने लगी हुई सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर कुछ बिक रहा है तो वो है पाव भाजी। भाई पाव भाजी के अलावा मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है यहाँ पे, और मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ अभी। बिल्कुल मैं पीछे की साइड पे आ चुका हूँ और अब हम जो फूड कोर्ट है यहाँ का उसमें एंट्री लेंगे और सामने बीच की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और उसकी वॉल्यूम को फुल कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं लगाया है, कोई भी म्यूज़िक नहीं चलाया है, ताकि आप जो रियल साउंड जो है वहाँ के मार्केट का, ठीक है, अब वो चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, चिल्लाने की आवाज़, मतलब शोर शराबा, वो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि आप वहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ईयरफोन लगा लीजिए और आवाज़ को बढ़ा लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस मार्केट को विज़िट करते हैं। तो ये रहा अपना जुहू बीच का मार्केट और देखिए सामने की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पाव भाजी मिलेगी। यहाँ पे लिख बहुत कुछ रखा है कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन ज़्यादातर लोग पाव भाजी खा रहे हैं या फिर रसना पी रहे हैं। रसना का मतलब ये जो कुछ काला खट्टा वगैरह होता है ना, ये इस तरह की चीज़ें मिल रही है। तो पाव भाजी प्लस काला खट्टा ये हम आज जो है खाने वाले हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पे जो भी शॉप्स वगैरह हैं, जो भी स्टोर्स हैं, सब की सब पाव भाजी ही बेच रही हैं। हमारे जयपुर में एक जगह है जवाहर सर्किल, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि अगर आप घुसेंगे फूड कोर्ट के अंदर तो कहने का फूड कोर्ट होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाव भाजी बिकती है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाव भाजी और काला खट्टा आपको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि पाव भाजी काफ़ी फेमस लग रही है यहाँ की। एक ख़ास बात यह है कि सब लोग यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। कुछ शॉप के ऊपर राजस्थानी पाव भाजी लिखा हुआ है, कहीं कहीं गुजराती लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से इन लोगों ने डिवाइडेशन कर रखा है। अब देखिए ये शॉप राजस्थान से है तो हम जो है यहाँ से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। एक लगा दो पाव भाजी, तीन, वन 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 क्या नाम है आप लोग का? क्या नाम है, नाम बता दो। रंगीला राजस्थान पाव भाजी। अरे बढ़िया यार, रंगीला राजस्थान। मैं भी राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से। जयपुर से ही हूँ, रंगीला राजस्थान, जयपुर वाले। तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ यार, यहाँ चलो ही अपने लोग। जी जयपुर में मैं हूँ, रजा पाक से। तो यहाँ हमारी मुलाकात एक भैया से हुई जो ओनर है रंगीला राजस्थान के, और ये लोग भी जयपुर से ही हैं, जैसे कि मैं भी जयपुर से ही आया हूँ। तो इनकी जो पाव भाजी है वो बिल्कुल आपको जुहू बीच के सामने की तरफ मिलेगी। अगर आप विज़िट करते हैं तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और पाव भाजी के बिल्कुल बगल में आपको ये सारी शॉप मिल जाएंगी काला खट्टा की, इसकी। तो अगर आप पाव भाजी प्लस काला खट्टा वाला जो ड्रिंक होती है वो आप पिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए सामने की तरफ सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मतलब स्टेयर्स के अंदर ही बैठे हुए हैं, और सामने ये चटाई भी लगी हुई है, और सब लोग फैमिली के साथ मतलब बिल्कुल घुल मिल के यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल सामने बीच है और सब पाव भाजी बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि पाव भाजी का इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है इस जगह पर, नॉट मुंबई, मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ जुहू बीच की। तो बेसिकली अगर आप एक प्लेट लेंगे तो आप दूसरी ऑर्डर करेंगे ही करेंगे, ठीक है? एक खाली आपने तो आपको इतनी बढ़िया वो लगेगी कि आपको सेकंड भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। अगर आप दोस्तों के साथ में आए हैं, फ्रेंड के साथ में आए हैं, तो फिर भैया फिर तो भूल जाओ, फिर तो आप बहुत सारी प्लेट खा जाओगे। अगर आपकी फैमिली आई है तो आप सामने जो दिख रही चटाई वगैरह दिख रही है सामने, वहाँ बैठ के आप आराम से बस मंगाते रहो और खाते रहो, ठीक है? और महंगी भी नहीं है, मेरे ख्याल से 140 या 150 के आसपास की आपको आराम से मिल जाती है पाव भाजी वगैरह,
ठीक है, तो आप उसका इजीली यहाँ बैठ के लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ साउंड सुनिए और लहरों की आवाज़ सुनिए, क्या आसपास बातें हो रही है वो ऑब्जर्व कीजिए, और जाने से पहले कमेंट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर देना। इंजॉय कीजिए, मैं फिर से वापस लौटूंगा। ये लो भाई, मैंने भी काला कट्ठा ले लिया है और पाव भाजी पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने कैमरा बंद कर दिया था और अब काला कट्ठा पीते वक्त मैंने फिर से कैमरा चालू कर लिया है। ज़बरदस्त माहौल है और इन्वायरमेंट भी अच्छा ही है, और बेसिकली बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ का भी वेदर है, मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना बिल्कुल गर्मी है, एकदम शांत स्वभाव वाला बिल्कुल भाईचारे वाला माहौल है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आप जहाँ बैठना है वहाँ बैठो, जो खाना है वो खाओ, हर तरह के लोग, हर तरह की कम्युनिटी के लोग यहाँ पे एकदम मिलजुल कर रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ये सारी चीज़ें देखकर आजकल इंडिया के अंदर। तो बेसिकली ये रहा अपना पूरा जुहू बीच के स्पेशली फूड कोर्ट का पूरा जो हमने कवरेज करी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर।